31 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र, आपको बता दें कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का ऐलान के बाद सत्र कानूनों को खत्म करने के लिए विधेयक को किया सूचीबद्ध। कानून को खत्म करने के लिए विधेयक को किया सूचीबद्ध, सत्र के पहले दिन ही पारित किया जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक, बैठक में लिया गया फैसला, सत्र के पहले दिन ही बिल पेश करेगी मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कृषि कानून की वापसी का किया था ऐलान। और इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, क्या कार्यक्रम इसमें निर्धारित किया गया, क्या जानकारी है? देखिए, तीनों कृषि बिल वापस लेने की बात प्रधानमंत्री ने पहले ही कही थी और उसके बाद कल कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। 29 नवंबर से पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में अब जो है पहले दिन ही प्राथमिकता रखी गई है कि कृषि बिल को रद्द करने के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जाहिर तौर पे किसान जो है, प्रधानमंत्री जो है इस बात के लिए किसानों से अपील करी थी कि किसान अब कृषि बिल वापस हो रहे तो अपने अपने घरों में जाए, लेकिन किसानों ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वो अभी वो बॉर्डर के जो इलाके हैं उन्हें खाली नहीं करेंगे। यहाँ तक कि किसानों की भी 27 तारीख एक बैठक होने वाली है जिसमें तय किया जाएगा कि 29 नवंबर का जो पार्लियामेंट कूच किसानों का है उसे आगे पार्लियामेंट तक किसान कूच करेंगे या नहीं, इसे लेकर रणनीति तैयार होगी। फिलहाल सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि संसदीय सत्र के पहले दिन ही कृषि बिल विधेयक पार्लियामेंट में पेश होगा जिसे रद्द किया जाएगा। जी अमित, कृषि कानून को कैबिनेट में रद्द किया गया है, फैसला लिया गया है, क्या फैसला है आपके कानून मंत्रालय का, क्या इस पे कुछ प्रतिक्रिया आई है? देखिए, कृषि बिल की बात करें 14 महीने ज्यादा का वक्त हो गया है जब तीनों कृषि बिल जो है वो सरकार ने पास किए थे और उसके बाद लगभग एक साल होने जा रहा है जब किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की पहले दिन से ही मांग थी कि तीनों कानून रद्द किए जाए, सरकार इसके लिए तैयार जरूर नहीं दिख रही थी, लेकिन अब सरकार ने किसानों की बात मानी है, तीनों कृषि बिल वापस लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ किसानों की एक और मांग थी कि MSP गारंटी कानून सरकार बनाए और बिजली एक्ट में संशोधन करे, तो वो मांग जो है वो किसानों की लगातार चल रही है और अब कृषि बिल जरूर वापस हो गए हैं लेकिन बाकी मांगे सरकार माने इसके लिए किसान जो है वो लगातार यहाँ पे आंदोलन में जमे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक सरकार बाकी कानूनों को नहीं बनाती, खासतौर पर MSP गारंटी कानून के लिए बात नहीं करती, किसानों को बुला के बात नहीं करती, तब तक बॉर्डर के इलाके यानी कि सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर, तमाम बॉर्डर्स पे जो किसान बैठे हुए हैं वे अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल अमित, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। दिल्ली से हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने फैसला लिया है, सत्र के पहले दिन ही तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। आपको बता दें किसान अभी भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र, खबर दिल्ली से है जहां यूपी